नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं उपस्थित हूं विश्वकर्मा। तो चलिए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस के तहत 27 जून से 24 जुलाई तक चलने वाले परिवार कल्याण पखवाड़ा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के जरिए लोगों को परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में बताया जाएगा और परिवार नियोजन कराने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। उपायुक्त अनन्य मित्तल और सिविल सर्जन डॉक्टर बुका उराव ने सदर अस्पताल परिसर से हरी झंडी दिखाकर दो जागरूकता वाहन को रवाना किया। जागरूकता वाहन के जरिए 10 जुलाई तक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों के बारे में जागरूक किया जाएगा, ताकि 11 से 21 जुलाई के बीच जिले के विभिन्न प्रखंडों में सरकारी अस्पतालों में आयोजित होने वाले परिवार कल्याण मेला में लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके। परिवार नियोजन के मामले में पश्चिमी सिंहभूम जिला अभी भी राज्य के अन्य जिलों के मुकाबले काफ़ी पीछे है। जागरूकता की कमी के कारण लोग परिवार नियोजन कराने से कतराते हैं। जिला में फैमिली प्लानिंग है जो हमारा 27 जून से लेकर 24 जुलाई तक कार्यक्रम चलने वाला है। उसके तहत 27 जून से 10 जुलाई तक चलने वाले अवेयरनेस कैंपेन के लिए दो प्रचार वाहन जो है वो रवाना किए गए हैं, ताकि वो इंटीरियर एरियाज़ में जाकर, रूरल एरियाज़ में जाकर सभी लोगों को फैमिली प्लानिंग हेतु अवेयर करेंगे, उनको जागरूक करेंगे। और उसके आगे आने वाले समय में अगर उन लोगों को, किसी को भी जो भी इससे कन्विंस होते हैं और जो भी इस तौर पर जागरूक हो पाते हैं, वो इस संबंध में आगे सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। आज चाईबासा में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सिंहभूम की सांसद और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अग्निपथ योजना को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला कदम करार दिया। सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि 4 साल सेना में काम करने के बाद जो युवा निकाल दिए जाएंगे, उनके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। वहां से निकलकर बाहर आने वाले युवा आखिर क्या करेंगे? कहीं न कहीं सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। देश की सुरक्षा के नज़रिए से भी सरकार का यह कदम गलत है। विधानसभा में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कार्यक्रम की है और इस सत्याग्रह के माध्यम से लोग अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, कि क्योंकि इस अग्निपथ योजना के तहत मात्र 4 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती करने की बात चल रही है और हम लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि मात्र 4 साल के बाद हमारे युवा को निकाल दिया जाएगा या वो रिटायर कर जाएंगे और उनके उसके बाद उनके पास कोई योजना नहीं है कि वो उसके आगे क्या करेंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे ऑफिस में आप गार्ड का काम करिए, या हमारे तो कई उद्योगपति भी अब आगे आए कि भाई उसके बाद हम उन्हें अपने यहाँ प्रायोरिटी दिए, तो ये गलत है। एक तो देश के लिए 4 साल काम करने के बाद आप उन्हें इस तरह की बातें कहें, तो ये बहुत गलत है। और हम यहाँ पर जो भी सैनिक सेना में जाते हैं, उनका गांव में, उनके क्षेत्र में एक रुतबा होता है और आप उस चीज़ को भी आप ख़त्म कर दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगता है कि जो 4 साल के लिए आप ले रहे हैं, ये देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है और इसलिए इस स्कीम को बंद करना चाहिए, सरकार को वापस लेना चाहिए, अग्निपथ स्कीम को वापस लेना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक तरह से ठेका प्रथा को और ज़्यादा बढ़ावा दे रही है सरकार। और अभी हाल में ही सरकार ने पार्लियामेंट में अपने जवाब में कहा है नेशनल स्कीम, ये पेंशन स्कीम के तहत, कि 27% जो है अब काम को मतलब अस्थाई हो गए, तो ऐसे में कैसे चलेगा देश? आप यहाँ रोज़गार ही नहीं दे रहे हैं और रोज़गार के नाम पर लोगों को ठेका प्रथा पर आप धकेल रहे हैं, तो ये गलत है। और इसके साथ ही कहीं इसमें आरक्षण भी खत्म हो जाए, जो आरक्षण की व्यवस्था बनी हुई है ST SC OBC जनरल, वो आरक्षण व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी,
तो इससे देश में एक अराजकता का माहौल बनेगा, इसलिए इस स्कीम का हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक ये वापस नहीं लेगी सरकार इस स्कीम को, तब तक हम लोग आंदोलन। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चाईबासा चीरू मार्ग में डिलिया मिर्चा गांव के पास ओवरटेक करने के चक्कर में दो बाइक सवार आपस में टकरा गए, जिसमें दोनों बाइक सवार चार लोग घायल हो गए। इसमें एक 8 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना में टुंगरी का 25 वर्षीय बाइक चालक विकास मिश्रा गंभीर रूप से घायल है। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। वहीं दूसरे बाइक पर सवार बुरुजोल निवासी आदर्श बांड्रा, उड़ीसा के चीरूसाई निवासी रामू गागराई और उसके छोटे भाई 8 वर्षीय चंदन गागराई का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। सदर थाना क्षेत्र के मोहलसाई में स्कूटी सवार को जेसीबी ने टक्कर मार दिया। इस घटना में स्कूटी पर सवार दो छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना सुबह करीब 11 बजे हुई। एसपीजी मिशन बालिका विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा स्नेहा लोहार और उसकी दोस्त कोमल रजक मोहलसाई लोहार बस्ती स्थित घर से विद्यालय आ रही थी। स्कूटी कोमल का चाचा सोनू रजक चला रहा था। एसपीजी मिशन स्कूल के पास सामने से आ रही जेसीबी ने स्कूटी में टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों छात्राओं को गंभीर चोट आई है, जबकि स्कूटी चला रहे सोनू रजक को हल्की चोटें लगी हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला एवं भर्ती कैंप का आयोजन सोमवार को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चाईबासा में किया गया, जिसमें 220 अभ्यर्थियों का अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया गया और 127 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। मेला एवं भर्ती कैंप में महिंद्रा एंड महिंद्रा पुणे की कंपनी में 35 अभ्यर्थी, प्रेरणा ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग एंड एजुकेशन लिमिटेड नोएडा में 46 अभ्यर्थी और सुजुकी मोटर्स गुजरात में 46 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। मेले में NSIT जमशेदपुर के उपनिदेशक, सहायक निदेशक और पश्चिमी सिंहभूम के जिला नियोजन पदाधिकारी मौजूद थे। ITI परिसर में 28 जून को लोन ऑफिसर, फील्ड असिस्टेंट ट्रेनी के पदों पर रिक्तियों के विरुद्ध चयन और नियुक्ति के लिए एक दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया गया है। जिला नियोजन पदाधिकारी आलोक कुमार तोपनो ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार झारखंड के किसी भी नियोजनालय से निबंधित अभ्यर्थी बायोडाटा के साथ साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि योजना के तहत चक्रधरपुर प्रखंड के इटिहासा, अयोध्या, चेलाबेड़ा और जारकी शिमलावाद, टोंटो प्रखंड का सान झिकपानी और जगन्नाथपुर प्रखंड के दलपोसी गांव का चयन करते हुए बेसलाइन सर्वे का कार्य
पूर्ण कर लिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले चयनित गांव का विकास सुनिश्चित करना है। कल्याण विभाग की ओर से संचालित कल्याण अस्पताल के सफल संचालन के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिला स्तर पर गठित कल्याण अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अस्पताल संचालन में आधारभूत संरचना के जीर्णोद्धार, मरम्मती, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां, प्रोत्साहन राशि, सम्मान राशि और मानदेय का भुगतान समय पर कराने को लेकर चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि सभी कार्यों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए होगी। इससे अधिक खर्च के लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त को अधियाचना भेजा जाना है। इसके लिए अस्पताल संचालन समिति का गठन और आधारभूत संरचना से संबंधित प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कम पढ़े लिखे व्यस्क व्यक्तियों को हुनरमंद बनाने की तैयारी की गई है और इसमें जिला प्रशासन का साथ टाटा स्टील दे रही है। आज टाटा स्टील फाउंडेशन ने जिला प्रशासन के साथ MOU किया। जिला मुख्यालय चैबासा स्थित विकास भवन में कौशल प्रशिक्षण संस्थान का संचालन टाटा स्टील फाउंडेशन करेगी। इसके लिए आज इकरारनामा पर दस्तखत किया गया। इस दौरान उपायुक्त अनन्य मित्तल, उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, अपर उपायुक्त संतोष कुमार सिन्हा, टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से स्किल डेवलपमेंट प्रमुख कैप्टन अमिताभ, टाटा स्टील फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी सौरभ राय मौजूद रहे। दोनों पक्षों की ओर से इकरारनामा पर दस्तखत किया गया। उपायुक्त ने बताया कि विकास भवन में संचालित कौशल प्रशिक्षण संस्थान के तहत 4 ट्रेंड जैसे ऑटो सर्विस, पिकर्स एंड पैकर्स, इलेक्ट्रिकल्स एवं मोबाइल असेंबल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कक्षा 5 ड्रॉपआउट या 18 से 35 आयु वर्ग के युवा वर्ग को हुनरमंद बनाना है, ताकि वह सभी रोजगार स्वरोजगार से जुड़ सकें। 8वीं कक्षा का 11 जुलाई से होने वाली द्वितीय सावधिक परीक्षा को लेकर शिक्षा सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को सभी केंद्रों में परीक्षार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सचिव ने कहा कि उच्च विद्यालय में परीक्षा होने की स्थिति में निकटतम मध्य विद्यालय में परीक्षार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाए। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।